एक समय की बात है, एक घर में चार दिए जल रहे थे। घर के मालिक जो सभी थे वह टूर पर बाहर गए हुए थे। एक दिन व्यतीत हो गया। पहले दिए ने सोचा कि मैं व्यर्थ ही जल रहा हूँ, जब मेरे उजाले की जरूरत किसी को है नहीं, घर में कोई है नहीं, घर खाली पड़ा है, सूना है, तो मेरे प्रकाश की क्या आवश्यकता। और वह बुझ गया। ये दिया था उत्साह का। पहले दिए के बुझने के बाद दूसरे दिए ने सोचा कि मैं क्यों जलूं, जब पहला दिया बुझ गया, उसकी आवश्यकता नहीं किसी को, तो मेरी भी क्या। वह भी बुझ गया। ये दिया था शांति का। दो दिए बुझ चुके थे, तीसरे दिए की भी हिम्मत टूटने लगी, क्योंकि वो दिया था हिम्मत का, वह भी बुझ गया। तीन दिए के बुझने के बाद भी चौथा दिया जलता रहा। दो दिन और जलता रहा, तेल खत्म होने को दा, वह फिर भी जलता रहा। घर का दरवाजा खुला, मालिक आए। उन्होंने देखा कि सारे दिए बुझ गए हैं, एक दिया अंतिम जल रहा है, यह भी बुझने वाला है। उन्होंने उस दिए को उठाया और बाकी तीनों दियों को जला दिया। और घर में प्रकाश ही प्रकाश। ये दिया था उम्मीद का। दोस्तों, कोविड के इस काल में हमको उम्मीद का वही दिया बनना है जिसे जलते रहना है, और उम्मीद जगाना है, और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करना है। कोविड का ये काल बड़ा ही खतरनाक है। इसमें लोग संक्रमित हो रहे हैं, और चूंकि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे तरह तरह के नकारात्मक संदेश आते हैं जिससे लोग भयभीत हो रहे हैं, हम कोशिश करें कि लोगों को पॉजिटिव करें और प्रेरक संदेश, प्रेरक मैसेज, और लगातार जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप पर आप देखें कि कोई नकारात्मक संदेश आया है, उसके बाद तुरंत कोशिश करें कि आप कोई एक अच्छी कहानी या प्रेरक प्रसंग पोस्ट करें ताकि लोग पॉजिटिव रहें। धन्यवाद।